दोस्तों कोई भी कंपनी या फिर ब्रांड को पॉपुलर बनाना बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। हम भारतीय ज़्यादातर देसी प्रोडक्ट्स यानी कि इंडियन ब्रांड्स की तुलना में फॉरेन ब्रांड्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। हम समझते हैं कि फॉरेन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंडियन प्रोडक्ट्स की तुलना में ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन दोस्तों हम ये नहीं जानते कि इन्हीं सब फॉरेन ब्रांड्स में छुपे कुछ इंडियन ब्रांड्स भी शामिल है, जिससे हम विदेशी कंपनी समझकर गलती कर देते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको कुछ वर्ल्ड वाइड इंडियन ब्रांड्स की नाम बताएंगे जिसको आप शायद फॉरेन ब्रांड समझते थे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो देखने से पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहता हूँ। नंबर वन, पीटर इंग्लैंड। अगर आप कपड़ों की शौकीन हैं तो पीटर इंग्लैंड जैसे ब्रांड का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। दोस्तों आप मानो या फिर ना मानो, पीटर इंग्लैंड 100% एक इंडियन ब्रांड है। साल 1889 में आयरलैंड की लंडनडेरी में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, जो युद्ध के दौरान ब्रिटिश सोल्जर की खाकी ट्राउजर बनाता था। साल 1997 में ये ब्रांड इंडिया की मार्केट में आई और उसके ठीक 3 साल बाद साल 2000 में आदित्य बिरला ग्रुप ने इस कंपनी को खरीद ली। स्पेशली पीटर इंग्लैंड मेन्स वेयर बनाते हैं, जिसमें फॉर्मल और कैजुअल दोनों शामिल है। अब ये ब्रांड भारत के साथ साथ पूरे दुनिया में प्रीमियम कैटेगरी की शर्ट के लिए बहुत ही फेमस है। नंबर टू, टाइटन। दोस्तों टाइटन भी एक इंडियन ब्रांड है। ये ब्रांड दुनिया भर में वॉच और चश्मे निर्माण के लिए बहुत ही पॉपुलर है। दुनिया भर में इसकी 10 मिलियन से भी ज़्यादा ग्राहक मौजूद हैं और ये एक साल में करीब 15 मिलियन घड़ी बनाते हैं। आपको बता दूं कि ये ब्रांड टाटा ग्रुप की ब्रांच स्टिटको से जुड़ी हुई है। इनकी घड़ियों की डिवीजन में सोनाटा, फास्ट ट्रैक, रागा जैसे ब्रांड शामिल हैं, जिससे वो सालाना 2000 करोड़ से भी ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। इसके अलावा इसकी ज्वेलरी डिवीजन में तनिक्स जैसा ब्रांड शामिल है और परफ्यूम डिवीजन में स्कीन जैसे ब्रांड मौजूद है। नंबर थ्री, ओल्ड मॉन्ग। दोस्तों आप कुछ ड्रिंक का भी बात कर लेते हैं। ओल्ड मॉन्ग राम या ओएमआ 60 साल पुराना इंडियन डार्क राम ब्रांड है। साल 1954 में मोहन मिकाओ लिमिटेड प्रोडक्शन हाउस से इसकी उत्पादन शुरू हुई थी। धीरे धीरे ये भारत के साथ दुनिया भर की बहुत सारे देशों में भी पॉपुलर हो गया। इसके कुछ वेरिएंट्स हैं जैसे कि ओल्ड मॉन्ग सुप्रीम राम, ओल्ड मॉन्ग गोल्ड रिवर्स राम, ओल्ड मॉन्ग ड्यूलस ट्रिपल एक्स राम, ओल्ड मॉन्ग व्हाइट राम, ऐसे बहुत सारे। ओल्ड मॉन्ग भारत की लिक्वर ब्रांड में 5 नंबर में रैंक करते हैं। इसके इतना पॉपुलर होने की कारण है इसका प्राइस। ये कंपनी एड से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में विश्वास रखते हैं, तो इस कंपनी की कोई भी एड नहीं आते, इसलिए इसका प्राइस भी बहुत ही कम है। नंबर फोर, जगुआर। नाम सुनकर आपको भी लग रहा हो कि ये तो इंडियन ब्रांड नहीं हो सकते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत ही बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड जगुआर भी एक इंडियन कंपनी है। साल 1922 में इंग्लैंड में जगुआर कंपनी की स्थापना हुई थी, जो मूल रूप से मोटरसाइकिल की साइड कार बेचता था। बाद में उन लोगों ने कार बनाने की फैसला किया और उनमें सफल भी रहा। साल 1989 में फोर्ड मोटर कंपनी इसे खरीद लिया था। उसके ठीक 18 साल बाद टाटा मोटर्स ने इस ब्रांड को खरीद लिया और उसे लैंड रोवर ग्रुप में शामिल कर दिया। नंबर फाइव, जेट एयरवेज। दोस्तों सच बात तो यह है कि इंडियन एयरप्लेन कंपनी में हम सिर्फ एयर इंडिया और इंडिगो को ही जानते हैं, लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे जेट कंपनी मौजूद हैं, जैसे कि जेट एयरवेज। साल 1992 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और आपको बता दो कि ये इंडिया की दूसरा सबसे बड़े एयरलाइंस कंपनी है। इसके पास कुल 114 हवाई जहाज हैं, जो साल भर में करीब 21 मिलियन यात्रियों को परिसेवा देते हैं। ये कंपनी भारत के साथ साथ और भी बहुत सारे देशों में भी मौजूद है। नंबर सिक्स, जोमाटो। दोस्तों अगर आप खाने की शौकीन हैं और वो भी घर बैठ के ऑनलाइन, तो आप जोमाटो की नाम जरूर सुने होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जोमाटो एक बहुत ही पॉपुलर फूड कंपनी है। साल 2008 में हरियाणा की गुड़गांव में इसका शुरुआत हुआ था। इस कंपनी का ओनर है पंकज चड्डा। ये कंपनी खाने की ऑर्डर लेते हैं और डिलीवर करते हैं। ये ब्रांड भारत के साथ साथ और भी 23 अलग अलग देशों में अपना ब्रांड चलाते हैं। शुरुआत में इस कंपनी का नाम था फूडी बॉय, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर जोमाटो कर दिया गया और यकीनन भारत की सबसे बड़ी फूड स्टार्टअप कंपनी बनने जा रही है। नंबर सेवन, रॉयल एनफील्ड। हालांकि लोग इसे विदेशी ब्रांड के रूप से जानते हैं,
लेकिन रॉयल एनफील्ड भी एक इंडियन मोटरसाइकिल ब्रांड है। 1955 में चेन्नई की ईचर मोटर लिमिटेड कंपनी ने रॉयल एनफील्ड की पार्टनर बन गया और मोटरसाइकिल बनाना शुरू किया। बाद में मद्रास मोटर ने इस कंपनी की ओनरशिप खरीद ली। रॉयल एनफील्ड दुनिया भर में क्रूजर मोटरसाइकिल प्रोडक्शन के लिए मशहूर है। साल 2014 में इस कंपनी ने 300,000 बाइक सोल्ड की थी, जिस रिकॉर्ड को छूना नामुमकिन है। इस कंपनी की बहुत सारे वेरिएंट है, जैसे कि बुलेट, क्लासिक, थंडरबर्ड, हिमालयन, ऐसे बहुत सारे। कंपनी के सीईओ सिद्धार्थ लाल की कहना है कि रॉयल एनफील्ड भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर ब्रांड बनने जा रहे हैं। नंबर 8, लुइस फिलिप। पीटर इंग्लैंड की तरह लुइस फिलिप भी एक इंडियन ब्रांड है। साल 1889 में इंडिया में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। हालांकि इसका नाम फ्रांस के राजा लुइस फिलिप के नाम पर रखा गया था। ये ब्रांड भी आदित्य बिरला ग्रुप की फैशन ग्रुप की एक डिवीजन है। ये ब्रांड जेंट्स और लेडीज दोनों टाइप की क्लॉथ्स बनाते हैं। प्रीमियम कैटेगरी में ये ब्रांड भारत के साथ साथ वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। नंबर 9, लैक्मी। अब कॉस्मेटिक्स के बारे में कुछ बात करते हैं। कॉस्मेटिक्स के मामले में वर्ल्ड की टॉप 10 ब्रांड में लैक्मी भी शामिल है और ये 100% एक इंडियन ब्रांड है। साल 1952 में टाटा कंपनी की फैशन डिवीजन में ये ब्रांड शामिल हुआ था। लैक्मी ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और सैलून सर्विस के लिए पूरे भारत में पॉपुलर है। इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है श्रद्धा कपूर। इनके पास 300 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलते हैं और ये कंपनी भारत के साथ साथ 70 से भी ज़्यादा देशों में मौजूद है। नंबर 10, कैफे कॉफी डे। दोस्तों आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन कैफे कॉफी डे भी एक इंडियन कॉफी हाउस कंपनी है। साल 1996 में कर्नाटक में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। इस कंपनी की ओनर है वीजी सिद्धार्थ। इनके पास 20,000 एकड़ की कॉफी बागीचे हैं। भारत में इनका 1600 आउटलेट के साथ साथ एशिया की सबसे बड़ी कॉफी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो दोस्तों कैसे लगे हमारे वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। इनमें से कौन सा कंपनी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी आसानी से देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर देना। ऐसे बहुत से इन्फॉर्मेशन अनोन फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। गुड बाय।